ओ माय गॉड, द व्यू इज गॉड। यू हैव टू सी दिस। यार मैं आप लोगों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50। टुडे इज सैटरडे एंड हमारा है लॉन्ग वीकेंड, सो वी आर गोइंग टू समवेयर। इट्स अ 2 to 3 days ट्रिप एंड ये मैं लिटरली 1 साल से भी ज़्यादा के बाद कर रही हूँ, और इट्स गोना बी अ व्लॉग। पर स्पिरिचुअल टॉक्स ना हो मेरे वीडियो में, आई डोंट नो, ये हजम नहीं होगा। आप लोग भी बने रहना, क्यों ना ये चैलेंज लिया जाए। आई डोंट नो, पूरी वीडियो देखने को मुझे भी नहीं पता क्या होगा। वाओ, आई लव द ब्यूटी ऑफ द सन। द ड्रिल हैज बीन स्टार्टेड। हम लोग अब ट्यूब स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से 2 ट्रेन चेंज कर हम लोग पहुँचेंगे पैडिंगटन स्टेशन। यस, उसके ऊपर मूवी भी है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये व्यू है हमारे बीएनबी के बाहर का, इतने सुंदर। यहाँ पर गाय, मज्जे, बकरियां हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आर द क्लाउड्स। हु सेज इंग्लैंड में गाय सड़क पे नहीं घूमती। ही जस्ट सेड हाय। ग्रेट। तो मैं वेल्स पहुंच गई थी, चेक इन वेक इन कर हम लोग हो गए हैं रेडी। हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर पता चला, कुछ बैड न्यूज़ भी मिली। पर उससे पहले द गुड न्यूज़ इज़ कि हम लोग जा रहे हैं अभी बीच पर, एंड आई डोंट नो मुझे कितने साल हो गए हैं गए। आई थिंक आई वॉज इन 6th class जो मैं लास्ट गई थी। आई वेंट टू पोर्ट बे विद माई फैमिली। उसके बाद अब होगा कि मैं बीच पर जाऊँगी डेल्फी टू सी द वाटर्स एक्चुअली। एंड जब मैंने ये सब बुकिंग वुकिंग करवाई थी तब ना यहाँ पर मौसम जो था वो बहुत ख़राब था। इट वॉज़ लाइक कि यहाँ पे बारिश हो जाएगी, बट इट इज़ सो सनी टुडे एंड आई एम सो ग्लैड इट सनी कि हम लोग ढंग से बीच पे इंजॉय कर सकते हैं। एंड द बैड न्यूज़ इज़ कि पूरे के पूरे वेल्स में संडे को और बैंक हॉलीडेज वाले दिन बसेस नहीं चलती एंड आई डोंट हैव अ कार। तो अभी हमें लिटरली नहीं पता हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कैसे जाने वाले हैं, कल कैसे घूमने वाले हैं, कहाँ घूमने वाले हैं, वी हैव नो आइडिया। और यहाँ पर सारी जो बसेस हैं वो 1 घंटे के इंटरवल में चलती हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर द बस, वो इस रोड पे आएगी। सी, सबके पास गाड़ियाँ हैं। इट्स टाइम टू गेट अ कार। यार ये कितना अनरियल लग रहा है। ओ माई गॉड, द व्यू इज गॉड। यू हैव टू सी दिस। यार कैमरा वोंट डू द जस्टिस, ये इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमारी मदर नेचर है। आई एम गोना गो देयर, पर पहले मैं कुछ खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। द ओनली थिंग जो मुझे बाहर आके पसंद नहीं है वो है ये कि खाना नहीं मिलता। पर यार व्यू के साथ वाओ, इतनी अच्छी धूप, व्यू, पानी, पानी की आवाज़ सुन रही है, पता आपको सुन रही है कि नहीं पता नहीं, पर खा के हम लोग नीचे जाएंगे। वाओ, बाय, लेट्स ईट द फूड एंड मीट अगेन। हम लोगों ने खाना खा लिया है, हमने मंगवाए थे राइस और बर्गर, वीगन, टेस्टी था यार। विथ व्यू तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। एंड पता है अभी सारे लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि 3 बज रहे हैं। एंड क्योंकि हम लोगों की सुबह बस थी लेट, तो हम भी आए हैं लेट एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। आप लोग मुझे क्या देख रहे हो यार, व्यू को देखो। नहीं, ये सारे फ्लावर्स हैं पता है, येलो वाले। एंड दिस रोड विल गो फॉर द बीच।
हमने ना नीचे पहुंचना है, वो छोटे छोटे से लोग हैं पता। पहले मुझे लगा कि नहीं वो है ही नहीं, बट एक्चुअली में लोग थे। ये पहाड़ी की एक पीक है और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर ये पोनी से, वाओ दे आर सो क्यूट। केम फ्रॉम देयर अप टिल हियर, अभी उधर पता नहीं जाएंगे या नहीं, बट यहाँ से नीचे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं, नीचे हम उतर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। सो वी केम फ्रॉम देयर टू हियर एंड ये सारा मडी एरिया, वो रही वो वाली हिल जो हम देख रहे थे पहले। व्यू इज चेंज्ड, अब हम फाइनली बीच के और पास जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, कभी मिट्टी तो कभी पत्थर, अ गिफ्ट। उस वाली हिल के रास्ते पे चले गए थे एंड फिर हम सबसे पूछ रहे हैं कि भाई रास्ता किधर है, और जिधर बैठ के हमने खाना खाया था बिल्कुल उसके साथ ही रास्ता था। वाओ, मतलब ट्रैकिंग हो गई ना चाहते हुए भी। एंड अब हम फाइनली बीच पर आ गए हैं जब सूरज देवता जी ढलने के मोड में है, बट इट इज रियली प्लेजेंट। यार मैं आप लोगों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हाई टाइड्स का टाइम था 4:30 पर एंड जस्ट लुक एट द टाइड, ये लोग इतनी ज्यादा ये बड़ी हो चुकी हैं कि मैं इतनी आगे गई हुई थी बट ये इतनी तेज हो गए ना, आप तो कम बैक। एंड अभी ना क्योंकि हाई टाइड है तो ये लोग सर्फिंग वर्फिंग कर रहे हैं, मस्त बच्चे आए हुए हैं यार, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। इट रियली फील्स लाइक जब तुम पानी में खड़े हो ना तुम आगे जा रहे हो यार, वाओ डूड, वाओ 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 वाओ। आई फील लाइक मैं पहली बार आई हूँ पानी में। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू यहाँ से जाना। आई हैड सो मच फन। हम लोगों ने बैठ के पहले हम पूरे गीले हुए पानी में, उसके बाद हम लोगों ने बैठ के मेडिटेशन करी एंड एनर्जीज वर सो डिफरेंट, सो प्योर, सो हाई एंड सो हैवी, ऐसा कि तुम पानी के एकदम डीपेस्ट ऑफ ओशन में बैठे हो बिल्कुल नीचे और तुम पे इतना प्रेशर लग रहा है। आई फेल्ट द एनर्जीज इन माई ऑल द चक्रास, क्योंकि आप खुद देखो कितनी सारी एनर्जीज थी। आप मिट्टी पर बैठे थे, रूट वॉज कनेक्टेड, यू वर विद वाटर एनर्जी, सेकेंड चक्र वॉज कनेक्टेड, सन था थर्ड एलिमेंट, थर्ड चक्रा। ओ गॉड, आई थिंक आई फेल्ड द चैलेंज, क्योंकि मैंने कहा था मैं बात नहीं करूँगी पर मुझे रहा नहीं जाता। इट वॉज सो गुड। बीच पे पहले भी जाते हैं हम पर, और हमें ये भी पता है कि जब हम ट्रैकिंग करते हैं या फिर जब हम लोग स्विमिंग करते हैं बीचेस पे जाते हैं, वी फील हैप्पी, वी फील हील्ड, वी फील मोर लाइक अस। वाई इज दैट, हमें रीज़न नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि हमारे चक्रास काम करते हैं, वहाँ पे हील होते हैं हम अंदर से।
फायर, अर्थ, वाटर, ये सभी हमारे बॉडी के एलिमेंटल्स हैं। ओह, मैं इसलिए हाँफ रही हूँ इतना क्योंकि मैं बीच से ऊपर आ रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम इतना ब्रीदिंग हैवीली एंड फिर से ऊपर आ गए। कितना डिवाइन लग रहा है पता है, पानी के अंदर सन की रिफ्लेक्शन, वाह। क्योंकि यहाँ पे बसेस की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है और एक घंटे में एक ही चलती है, तो अगर हम लोग अभी 4:30 पे 4:50 पे नहीं निकले, 4:50 की भी बस अभी आ रही है एंड लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अगर हम नहीं गए तो डायरेक्ट बस विल बी ऑफ 6:30 एंड हम लोग क्योंकि फुल गीले हो चुके हैं, बीमार हो जाएंगे क्योंकि हम कपड़े नहीं लाए थे साथ में अपने एंड पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पैर नंब हो रखे हैं एकदम एंड वो समुद्र वाले पानी से थोड़ी जलन भी होती है ना, वी नीड टू टेक शावर आफ्टर वी गो टू होम। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपको स्पिरिचुअलिटी की बातें कैसी लग रही हैं जरूर बताना कमेंट करके, और आप क्या सुनना पसंद करोगे ये भी। तब तक के लिए राधे राधे। वेलकम टू आवर अकोमोडेशन, दिस इज शेफर्ड्स हट। कितना क्यूट है ना यार।